चिराग पासवान का तो लगभग तय है, नानी सिंह की बात लगातार चल रही है और कोई सूत्र का खबर नहीं है, पक्का खबर हम बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से चिराग पासवान की बात लगातार चल रही है और मांझी जी का दबाव चल ही रहा है। दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है और ये दोनों नेता अगले 25 दिनों के अंदर, चाहे वो मांझी हो या पासवान चिराग पासवान हो, ये महागठबंधन में शामिल होंगे। बात लालू प्रसाद यादव से चल रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के 19% दलित वोट जो है वो मांझी और चिराग अगर महागठबंधन में गए तो लालू प्रसाद यादव को वोट मिलने जा रहा है। बीजेपी को बड़ा खामियाजा नीतीश के चलते उठाना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी अभी ओवर कॉन्फिडेंस है और अक्सर ये होता है कि इंसान हो या राजनीतिक पार्टी हो या कोई व्यापारी हो बिजनेसमैन ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठता है। भाजपा लोग के सपना देख रहे हैं कि बीजेपी अधिक सीटों पर लड़ेगी, ये मुगालते में है वो लोग। बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार तय करेंगे कि चिराग पासवान को कितना सीट देना है। 2019 में जो लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी वो 2024 में 3 सीटों पर लड़ने जा रही है और यही रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, ये 2029 में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। बीजेपी की कोई राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार के सामने नहीं। नीतीश कुमार कहेंगे दिन तो बीजेपी कहेगी दिन, नीतीश कुमार कहेंगे रात तो बीजेपी कहेगी रात। चिराग की दुश्मन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, चिराग पासवान के राजनीतिक दुश्मन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक दुश्मन भाजपा। चिराग पासवान के 6% वोट पर बीजेपी की नजर है और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि चिराग अगर ये उगालते में है, ये समझी कर रहे हैं, तो भविष्य में उनके लिए बहुत दिक्कत। 2024 का जो गया का लोकसभा होगा वहां से महागठबंधन लीड मत ले ले, वहां से भूमिहार वोट एक मुश्त पड़े जीतन राम मांझी के बेटे को संतोष सुमन को, इसलिए अनिल शर्मा के नाम पर अड़े हुए हैं मांझी की उनको मंत्री बनाया था, अनिल शर्मा भूमिहार है। सुमित सिंह और चिराग पासवान की अदावत की कहानी, दुश्मनी की कहानी 2019 में देखने को मिली जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान सुमित सिंह ने खुले तौर पर चिराग पासवान का विरोध किया जमुई में। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, जिनको जितना विभाग मिलना था मिल गया है, हालांकि अभी जितने लोग शपथ लिए थे उनको मिला है, लेकिन पार्टियों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन था विभाग का वो हो गया है। लेकिन वर्तमान में सवाल है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी खुश नहीं है इस गठबंधन। मांझी का अलग है, मांझी जी कहते हैं कि हमको 2 मंत्रालय मिलना चाहिए क्योंकि हमको महागठबंधन से सीएम का ऑफर था। चिराग पासवान का, हालांकि उनका कोई विधायक तो है नहीं, उनको मंत्रिमंडल का उतना है नहीं, उनका मेन वजह है लोकसभा। इन सब बातों पे बात करेंगे। उदीप जी हैं, उदीप जी जो इतने दिन से चल रहा था मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, तो खिचड़ी तो अब पक गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, हालांकि अभी स्वाद नहीं आया है उसका रिएक्शन की कैसा है, लेकिन सभी में बट गया है। फिर भी जो कल, पहले हम बात करते हैं मांझी जी, मांझी जी का कल जो बयान था कि हमको एक विभाग और चाहिए, जो कि वो अपने विधायक अनिल शर्मा के लिए मांग रहे थे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, ये जो विरोध या खिलाफत दिखाया जा रहा है मौजूदा गठबंधन के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 2024 का जो जनरल इलेक्शन, बिल्कुल लोकसभा चुनाव है, उससे है। जीतन राम मांझी का क्या कहना है कि हमको सीएम बनने का ऑफर दूसरी तरफ से था, मतलब लालू प्रसाद यादव की तरफ से इनको सीएम बनने का ऑफर, तो सही बात, इस बात में दो राय नहीं है कि बात हुआ था लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच, जिसमें मांझी जी को सीएम बनने तक ऑफर दिया गया था अगर वो अपने चारों विधायक लेकर इधर चले आए, लेकिन मांझी जी नहीं गए, जेपी नड्डा से लेकर नित्यानंद राय तक उनका फील्डिंग थी। और अब जब सरकार बन गई है तो सबसे पहला जो कैबिनेट बना उसमें पहला शपथ दिलाया गया संतोष को। बीजेपी ये बात नहीं चाहती है कि मांझी जी को कहीं से खराब लगे कि उनको दरकिनार कर किया जा रहा है या उनके साथ धोखा किया गया, इसलिए पहले बार में ही संतोष सुमन को शपथ दिला दिया गया। मामला फंसा हुआ है सुमित सिंह, और सुमित सिंह के विरोध में सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं है, सबसे बड़े अगर सुमित सिंह के बिहार की राजनीति में कोई दुश्मन निजी तौर पर भी राजनीतिक तौर पर भी है तो वो सुमित सिंह, चिराग पासवान। बिल्कुल, तो चिराग पासवान और मांझी जी का एक तरफा विरोध सुमित सिंह को लेकर है। चिराग पासवान पर हम बाद में आएंगे, पहले जैसे मांझी जी का हम प्रकरण समझ लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा पिछले लोकसभा में 3 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ी थी, एक सीट औरंगाबाद भी रहा था, एक सीट गया रहा। बिल्कुल, अब होता जो गुणा गणित है उसके अनुसार ये दोनों सीट मगध का है,
और मगध का आप अगर आप पूरे इलाके को देखिए, उसका ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया, दो जातियां वहां पर डोमिनेटिंग है, हार और जीत का डिसिसिव फैक्टर बन जाती है, वो भूमिहार और यादव। राजपूत भी है लेकिन बहुत डिसिसिव नहीं, लेकिन भूमिहार और यादव में से अगर किसी एक जाति का एक मुश्त वोट किसी भी प्रत्याशी को पड़ता है, मगध का कोई भी सीट ले लीजिए, जहानाबाद कह लीजिए, पाटलिपुत्र कह लीजिए, गया कह लीजिए, औरंगाबाद कह लीजिए, तो वहां पे वो प्रत्याशी का जीत लगभग सुनिश्चित हो जाता है। लगभग पिछला बार जीतनराम मांझी लड़े गया और इनसे हारे थे, विजय मांझी जदयू के प्रत्याशी, उसके पहले हरि मांझी वहां से सांसद रहे हैं। तो इस बार जो चांसेस बन रहा है कि जीतनराम मांझी को बीजेपी जो है वो गया से चुनाव लड़वा सकती है। अब वो अपने लड़े या बेटे संतोष सुमन के लिए लड़े, ज्यादा चांसेस कि उनके बेटे संतोष सुमन नहीं लड़े। आप जिनका नाम रखें, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझिए। टेकारी से हैं, गया से हैं, गया भूमिहार बाहुल्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, हालांकि मांझी दलित बाहुल्य भी है। और इनके जो भाई हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो वहां के बहुत बड़े नेताओं में शुमार है, सिर्फ भूमिहार जाति में नहीं, एक समाजवादी नेता के रूप में जाना जाता है इनका पूरा परिवार। तो अनिल शर्मा का अभी रोल क्या है, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है उसके वो प्रदेश अध्यक्ष, एक दलित की पार्टी, वैसी पार्टी जो दलित के द्वारा बनाई गई जीतनराम मांझी के द्वारा, हम उसके प्रदेश अध्यक्ष एक भूमिहार है जिनका नाम अनिल शर्मा। अब अनिल शर्मा को मंत्री बनाने के लिए जीतनराम मांझी अड़े कि भाई सिर्फ बेटा को नहीं, अनिल शर्मा को भी मंत्री बनाए, हम अगर चाहते तो उधर जाकर सीएम बन सकते थे, हमने बड़ी कुर्बानी दी। तो अनिल शर्मा के मार्फत जीतनराम मांझी मगध के भूमिहारों को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम भी भूमिहारों के इतने ही बड़े हितैषी हैं। और यही कारण है कि जीतनराम मांझी जो है मध्यप्रदेश, वो अनिल शर्मा के नाम का गाना बार बार गा रहे हैं और सुमित सिंह का विरोध कर रहे हैं। सुमित सिंह एक मुखौटा है विरोध के लिए। दरअसल विरोध इस बात का है कि 2024 का जो गया का लोकसभा होगा, वहां से महागठबंधन लीड मत ले ले, वहां से भूमिहार वोट एक मुश्त पड़े जीतनराम मांझी के बेटे को, संतोष सुमन को, इसलिए अनिल शर्मा के नाम पर अड़े हुए हैं मांझी की उनको मंत्री बनाया गया, अनिल शर्मा भूमिहार है जी। इसके अलावा दो सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा इनको जीतनराम मांझी को मिलता है, अगर औरंगाबाद ही मिलता है, पिछला बार वहां से कोई उपेंद्र नाम भूल रहा हूँ कहा जाति से आते हैं, अति पिछड़ा से है, वो लड़े थे वहां से औरंगाबाद, वो भी हारे। कारण वही था कि उनको भूमिहार राजपूत का वोट नहीं मिला था, जबकि औरंगाबाद राजपूत बाहुल्य है। तो सवर्णों के बीच एक गुड मैसेज देने के लिए कि जीतनराम मांझी सिर्फ दलितों के नेता है नहीं, सवर्णों के भी हितकारी है, सवर्णों के बारे में भी सोचते हैं, वो अनिल कुमार शर्मा को मंत्री बनाने के लिए अड़े हुए हैं। और खासकर उनका टारगेट गया लोकसभा है, गया लोकसभा को लेकर ही इतना माथा पर चल रहा है, नहीं तो और कोई कारण तार्किक रूप से समझ लें, चार विधायकों की पार्टी है, एक मंत्री अगर बन गए तो खुशकिस्मत है ये, लेकिन मामला यहां पर जाति को लेकर है और लोकसभा 2024 को लेकर। अब आइए चिराग पासवान पर, जिनका आप नाम रखते हैं कि चिराग पासवान का विरोध क्यों है। देखिए चिराग पासवान फिलहाल जिस जगह पर बैठे हुए हैं उनके ठीक बगल में उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बैठे हुए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सुमित सिंह को मंत्री क्यों बनाए, निर्दलीय इकलौते निर्दलीय विधायक जीते अगर बिहार में कोई तो वो सुमित सिंह है। किसके बेटे हैं, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह कौन है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मित्रों में से एक रहे हैं, समता पार्टी से आप उठाइए, जदयू से उठाइए, सभी जगह है भूमिका उनका रहा, लोजपा में भी एक बड़ी पकड़ रही है, लोजपा के भी कद्दावर नेताओं में शामिल रहे, उनके बेटे हैं सुमित। और सुमित सिंह और चिराग पासवान की अदावत की कहानी, दुश्मनी की कहानी 2019 में देखने को मिली, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान सुमित सिंह ने खुले तौर पर चिराग पासवान का विरोध किया जमुई में। जमुई जिस विधानसभा से सुमित सिंह आते हैं वो चकाई, और चकाई विधानसभा जमुई में ही पड़ता है लोकसभा के अंतर्गत, तो उसी लोकसभा में, जमुई लोकसभा 2019 के चुनाव में चिराग पासवान का खुले तौर पर मुखालफत करने वाले नेता बने सुमित सिंह, और उसके बाद से इन दोनों के बीच, और नरेंद्र सिंह भी कोई रामविलास पासवान के बहुत वफादार नहीं रहे थे। 2005 में जो पार्टी टूटी थी रामविलास पासवान की, जो 17-18 विधायक भागे थे, 26 विधायक 29 विधायकों में से, उसमें भी एक बड़ी भूमिका नरेंद्र सिंह निभाई। तो नरेंद्र सिंह से दुश्मनी चिराग पासवान की पिता रामविलास पासवान कर रहा है, और अब जनरेशन चेंज हो गया, सुमित सिंह और चिराग पासवान आमने सामने है, लेकिन वो अदावत वो दुश्मनी आज भी चल रही है। इसीलिए बार बार सुमित सिंह का नाम उठाकर चिराग पासवान विरोध जता रहे हैं,
कि जो सुमित सिंह 2019 में मेरे खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ जमुई में प्रचार करते हैं, उनको नीतीश कुमार जबरदस्ती मंत्री क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा एक और गुनागणित है, नीतीश कुमार अब पर कतरने में, देखिए नीतीश कुमार के सामने बीजेपी सरेंडर है, बीजेपी की कोई राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार के सामने नहीं। नीतीश कुमार कहेंगे दिन तो बीजेपी कहेगी दिन, नीतीश कुमार कहेंगे रात तो बीजेपी कहेगी रात। आप इस तरह समझिए, सीएम का गद्दी भी लिए, गृह मंत्रालय भी लिए, कहां हेकड़ी चला गया विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का, बिल्कुल कहीं कोई हेकड़ी चला गया इन लोग का। दिल्ली से ऑर्डर आ गया भाई कि जो बोल रहे हैं करिए। तो लोकसभा में भी आप मानकर चलिए कि जो भाजपाई लोग सपना देख रहे हैं कि बीजेपी अधिक सीटों पर लड़ेगी, ये मुगालती में है। वो लोग बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार तय करेंगे कि चिराग पासवान को कितना सीट देना है, नीतीश कुमार तय करेंगे कि पशुपति कुमार पारस को कितना सीट देना है, और पारस के रिश्ते नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान के रिश्ते जितने खराब नीतीश कुमार से हैं, उतना ही अच्छा संबंध और रिश्ता पशुपति कुमार पारस का है। तो पारस के लिए फील्डिंग करेंगे नीतीश कुमार, और इस बात का इल्म, इस बात की का जो एक होता है ना पूर्वाभास, वो चिराग पासवान को है, क्योंकि उनको पहले तो मिल चुका है, मिल चुका है। चाहे तो वो बंगला खाली करवाने का प्रयास हो, रामविलास को राजसभा नहीं भेजने का विरोध, ये पार्टी तोड़ने का आरोप लगा थे वो भूमिका, इसलिए चिराग पासवान का विरोध लगातार सरकार के खिलाफ है और सुमित सिंह के खिलाफ। सवाल बड़ा है ये कि उदित जी, क्या जो जेपी नड्डा, अमित शाह बार बार चिराग पासवान से मिलते हैं, अब बीजेपी का यहाँ पे अहम रोल हो जाता है कि क्या चिराग पासवान को सिर्फ उनका टिकट मिलेगा, या फिर वो जो जिस बात पे अड़े हुए कि हमको 5 या 6 सीटें चाहिए वो मिल पाएगा। देखिए एक बार बता देते हैं, क्रिस्टल क्लियर इस बात को समझना होगा, चिराग की दुश्मन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, चिराग पासवान के राजनीतिक दुश्मन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक दुश्मन भाजपा है। कैसे है हम बताते हैं, तो हनुमान मानते हैं, मानने से थोड़े होता है। देखिए अब इस बात को समझिए, अब इसे कुछ महीने पहले जेपी नड्डा ने पटना के बापू सभागार में एक बयान दिया, उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रीय दलों को खा जाएंगे, मतलब खत्म कर देंगे, क्षेत्रीय दल को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। बीजेपी जानती है कि रामविलास पासवान के लेगेसी के चलते चिराग पासवान के साथ बिहार के 6% वोटर पूरी तरह पैक है, मतलब वो वोटर कहीं नहीं जाने वाला। 2019 में जो लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, वो 2024 में 3 सीटों पर लड़ने जा रही है, और यही रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, ये 2029 में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और इनका जो 6% वोट है वो बीजेपी अपनी तरफ करना चाह रही है, उस लेगेसी को बीजेपी हड़पना चाह रही है जो रामविलास पासवान का लेगेसी है। पारस जी कुछ नहीं चाह रहे हैं, पारस जी का कोई बूता भी नहीं है, कोई औकात भी नहीं है कि वो कर पाएंगे, उम्र के अंतिम ढलान पे है, वो नौकरी टाइप का राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी चिराग की बड़ी दुश्मन है नीतीश कुमार से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, चिराग वफादार है, इसमें दो राय नहीं है, चिराग बार बार वफादारी निभाते हैं, लेकिन बीजेपी इनका बंगला कौन खाली कराया दिल्ली जी बताइए। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार के कहने पर ही बीजेपी कराई तो नीतीश कुमार के सामने झुकी ना बीजेपी, बीजेपी नीतीश के कंधे पर रखकर चिराग पर गोली चलाती है, और बार बार ये देखने को मिला है। पार्टी टूटा, ललन सिंह भूमिका निभाए, गठबंधन में बीजेपी थी, बीजेपी क्यों नहीं कोई सवाल उठाई अगर चिराग पासवान को बीजेपी इतना ही पसंद करती। बंगला खाली हुआ, रामविलास पासवान का फोटो फेंका गया, बीजेपी के द्वारा कराया गया, चिराग ये बात क्या है कि मन महसूस कर रह गया कि जदयू के कहने पे हुआ। भाई नीतीश कुमार के कहने पर बीजेपी कर रही है, बीजेपी अगर नहीं चाहेगी तो करेगी क्या, नहीं करेगी, मतलब बीजेपी बैक तक बिहाइंड द कर्टेन नीतीश कुमार से बड़ी दुश्मनी का दुश्मन का रोल निभाती है चिराग पासवान के साथ हमेशा। और देखिएगा जो रामविलास की पार्टी 2020 में 21 में टूटी, 24 में उसे 3 सीटों पर बीजेपी लाएगी, और 29 आते आते तक चिराग पासवान को बीजेपी स्वाहा कर देगी, अपने सिंबल में बोलेगी चुनाव लड़ने के लिए, नहीं तो आप आ जाइए गठबंधन से बाहर। इनका 6% वोट चिराग पासवान के 6% वोट पर बीजेपी की नजर है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चिराग अगर ये बुगालते में है, ये ना समझी कर रहे हैं, तो भविष्य में उनके लिए बहुत दिक्कत। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी चर्चा में छूट रहा है, आप इस बात को मानकर चलिए कि अगले 28 तारीख तक अगले 25 दिनों के अंदर बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वो भूचाल का रूप क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, आज तारीख नोट कर लीजिए, 3 फरवरी को मैं ये बात कर रहा हूं, 28 फरवरी तक फिर वीडियो हम बनाएंगे इस पर। 28 फरवरी के पहले एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट होगी, टूट में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। आप देखिएगा ये दोनों के दोनों नेता महागठबंधन भागेंगे। चिराग पासवान का तो लगभग तय है, लालू जी से उनकी बात लगातार चल रही है,
और कोई सूत्र का खबर नहीं है, पक्का खबर हम बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से चिराग पासवान की बात लगातार चल रही और मांझी जी का दबाव चल ही रहा है। तो आप मान लीजिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के 19% दलित वोट जो है वो मांझी और चिराग अगर महागठबंधन में गए तो लालू प्रसाद यादव को वोट मिलने जा रहा है। बीजेपी को बड़ा खामियाजा नीतीश के चलते उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अभी ओवर कॉन्फिडेंस में, और अक्सर ये होता है कि इंसान हो या राजनीतिक पार्टी हो या कोई व्यापारी हो बिजनेसमैन हो, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठता है। बीजेपी की ऐतिहासिक भूल मानी जाएगी नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना, इसके चलते आज बिहार, भाई बिहार में आपसे अगर पूछे अमृतेश बताइए दलित नेता कौन है, अजीता नाम मांझी है, इनके अलावा जनक राम थोड़ा ना तो दलित नेता है, जनक राम तो पसपा से आए हैं और फिर कहां भागे हैं, कोई ठीक नहीं। दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है, और ये दोनों नेता अगले 25 दिनों के अंदर, चाहे वो मांझी हो या पासवान चिराग पासवान हो, ये महागठबंधन में शामिल होंगे। बात लालू प्रसाद यादव से चल रही, तारीख मैंने नोट करा दिया है 3 फरवरी, तो 3 फरवरी, और बाकी आप इंतजार कीजिएगा 28 फरवरी को फिर हम हाजिर होंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अमित शाह भले चाणक्य राजनीति को हो, लेकिन बिहार की राजनीति का अगर कोई चाणक्य है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि एक बार आज फिर उन्होंने प्रूफ कर दिया है अपने पास गृह मंत्रालय और समान प्रशासन विभाग रखकर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए द बिहार टॉप के साथ, मिलेंगे अगले खबर में, धन्यवाद।